आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इन्वेस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और इसके यूजी के जो फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। आप लोग उसे फिल भी कर रहे होंगे, जिसका नाम नए पैटर्न पे हो रहा है। CUET के तहत उसके जो फॉर्म है वो फिलअप किए जा रहे हैं। अब काफी बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि पीजी के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म कब तक आएंगे और उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे, अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे ताकि आने वाले दिन में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो और तमाम यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए आप एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त उसमें जरा सी मिस्टेक ना करें। क्योंकि अगर आपका एक छोटा सा भी मिस्टेक हो जाता है उसमें तो करेक्शन का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और फिर एडमिशन के वक्त आपको बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि किसी का मदर नेम गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया, या कह सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। तो सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बड़े ही इत्मीनान से इस वीडियो को देखें, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगी हुई है। आपको मैं आज स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ चीजें समझ में ना भी आए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर, आपको मालूम ही होगा 9045220432, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपके लिए 24/7 जो है वो अवेलेबल है। आप इस पे मैसेज या कॉल कभी भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि एंट्रेंस फॉर्म कब तक आएंगे पीजी के। जैसा कि मैंने शुरू वीडियो में बताया कि आपको CUET के यानी कि यूजी के जो कोर्स के फॉर्म है वो आ गए हैं, अब बचे हैं पीजी के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म है, वो आपके मई के पहले सप्ताह तक आने के पूरे पूरे चांसेस है। यानी कि लगभग आपके पास अभी 10 से 12 दिन जो है वो अवेलेबल है। अब इन 10 से 12 दिन में आप क्या करें, आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार करें ताकि एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त आपको किसी भी तरह कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म जो है वो मई में आ जाएंगे। आपको पता है NTA कराता है और इसका जो बेस होता है यानी कि पैटर्न जो होता है वो MCQ बेस पे होता है और इसमें CUET अभी तक लागू नहीं हुआ है और आगे भी ऐसे ही चांसेस हैं कि CUET PG कोर्स में लागू नहीं होगा। ये काफी सारी अटकलें लगाई जा रही है कि होगा नहीं होगा, लेकिन जहां तक हमारा एक्सपीरियंस और हमारा एनालिसिस है तो यही कहता है कि CUET जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं होगा और इससे कोई फायदा भी नहीं है। इसके काफी सारे नुकसान आते हैं वो मैंने आपको काफी वीडियो में बना के बता दिया। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको पता है कितनी बहुचर्चित यूनिवर्सिटी है, सबका ख्वाब होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, लेकिन बहुत ही कम बच्चों का जो है उसमें सिलेक्शन हो पाता है। जो बच्चा मेहनत करता है और दिल से मेहनत करता है उनका ही सिलेक्शन हो पाता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, हमें इस बात की पूरी गारंटी है, पूरी उम्मीद है, लेकिन तैयारी के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायरमेंट होते हैं जो आपके तैयारी में चार चांद लगाते हैं और इसी से जो है वो आप अपने ख्वाब को पूरा करने के पहले स्टेप पे चलते हैं। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं JNU में, तो पहला स्टेप आपका तैयारी नहीं है, पहला स्टेप होता है आपका फॉर्म भरना। और फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप लोग देख सकते हैं। मैंने बता दिया कि मई के पहले सप्ताह तक जो है वो आपके फॉर्म आ जाएंगे। अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सबसे पहले तो आपके पास आपका खुद का ईमेल होना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि JNU की जितनी भी सारी चीजें होंगी वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएंगी। चाहे हम बात करें नोटिफिकेशन की, चाहे हम बात करें एडमिट कार्ड की, चाहे हम बात करें आपके एग्जाम सेंटर की, यहां तक कि आंसर की और एडमिशन प्रोसेस पे आपका जो ऑफर लेटर आएगा वो आपकी मेल पर आएगा। और मेल आप कोशिश करें छोटी बनाए, ज्यादा लंबी ना बनाए, ठीक है। और इसके अलावा एक मोबाइल नंबर आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर ही आपका सारा फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आएंगे, करेक्शन के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएंगे। और एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त आपको आपके गार्जियंस का मोबाइल नंबर जरूर मैंडेटरी से फिल करना है। यह मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन आप लोग समझदार होंगे, IQ लेवल आपका काफी अच्छा होगा क्योंकि JNU में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका IQ लेवल और तमाम यूनिवर्सिटी से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन की यानी कि अगले डॉक्यूमेंट्स की। तो 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होगी और आप जो है उसे संभाल के रखें और अच्छे से उसको स्कैन कर लें ताकि आपको एडमिशन के वक्त फॉर्म फिल करते वक्त आपको उसको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप स्कैन करके रखें 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल। इसके अलावा BA की मार्कशीट, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे यानी कि MA में जाएंगे तो आपके पास BA की मार्कशीट होना जरूरी है। मार्कशीट के अलावा एक साथ आप लोग एक बात और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डिग्री भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हालांकि फॉर्म फिल करते वक्त आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तब आपको डिग्री होना जरूरी है। अब क्योंकि डिग्री बहुत से कॉलेज में 3 साल बाद मिलती है, तो अब कैसे करें, अब क्या होगा, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। एक
परफॉर्मा होता है जिसे आप क्या कहते कह सकते हैं प्रोफेशनल डिग्री होती है जो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाती है और वो आप जो इजीली जो है उसे लेके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, वो एज अ इक्वल काम करेगी ओरिजिनल की, प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं। यहाँ पर आपके पास बीए की मार्कशीट होना जरूरी है और डिग्री होना जरूरी है। अब कुछ बच्चे अपीयरिंग में होंगे अभी हाल फिलहाल में जिनके ग्रेजुएशन के एग्जाम हुए होंगे या नहीं भी हुए होंगे, अब वो कैसे करें, उनके तो मार्कशीट भी नहीं है, उनके पास डिग्री भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आप अपीयरिंग में हैं, आप लोग उसे जो है फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी टाइम देगी। अगर मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो भी जाता है तब भी आपके पास आपकी डिग्री या मार्कशीट नहीं है, तो बेफिक्र रहिए, उसके बाद भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा 2-3 महीने का। तो यह हुआ आपका बीए डिग्री के ताल्लुक से। इसके अलावा कोई आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपको कोई पहचान पत्र होना जरूरी है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है और पासपोर्ट साइज पासपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो आपका 6 महीने से पुराना ना हो, 6 महीने के तक ही आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए वो जरूरी है। इसके अलावा कुछ बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और अब कास्ट सर्टिफिकेट भी 2 तरीके से बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है राज्य सरकार का और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप जेएनयू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल का होना जरूरी है, क्योंकि जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो आपको सेंट्रल का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। एससी एसटी वालों का राज्य वाले एजेंट जाता है, उसमें कोई इतना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जेएनयू में जाएंगे स्कॉलरशिप मिलेगी, तो स्कॉलरशिप के लिए आपको पहले ही फॉर्म के वक्त बताना होगा कि हमारी जो एनुअल इनकम है, हमारी जो आय है वो इतनी है। तकरीबन लगभग 1 लाख से नीचे जिन बच्चों की आय प्रमाण पत्र में लिखी होती है इनकम, उनको जो है स्कॉलरशिप मिलते हैं, चाहे वो एससी एसटी के हो या फिर ओबीसी कैटेगरी के हो। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या ईडब्ल्यूएस में है तो उसके भी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ अमाउंट है वो आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर देंगे आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको उसका नंबर और उसके लिए आपको एनुअल इनकम जो है वहां पर बतानी होगी जब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा डोमिसाइल यानी कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र, इसकी जरूरत एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जब हॉस्टल लेंगे तब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो उसके साथ साथ आप डोमिसाइल भी बनवा लें, ताकि आपको बार बार भागना ना पड़े, एक ही बार में तीनों चीज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप लोग टीसी भी कह सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत भी आपको एडमिशन के वक्त पड़ेगी, लेकिन आप लोग जो है वो इसे अभी से तैयार कर लें, ताकि आपको आने वाले वक्त में डॉक्यूमेंट को भागना ना पड़े, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो जाए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको पता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आपके स्कूल कॉलेज से आराम से मिल जाता है, जब आप माइग्रेशन लेने जाएंगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आराम से मिल जाएगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको आज बताने थे, हालांकि एक डॉक्यूमेंट वो साइन है, आप जो उसे अपलोड कर सकते हैं, साइन मैंने आपको बता दिया है, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें साइन की जरूरत पड़ेगी, और ये सारी चीजें होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। बाकी आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट बचता है तो ये नंबर आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे मालूमात कर सकते हैं। तो जैसे ये फॉर्म आएंगे उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कैसे फॉर्म फिल करना है उसके बारे में भी आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।